कम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। अज असीं पंजाब दे विच मुख सुर्खियां दे उत्ते चर्चा करांगे। सब तो पहला जिहड़ी खबर आ रही है, गलवान घाटी विच शहीद होए सैनिकों के परिवारों लई मुख्यमंत्री ने एक वड्डा ऐलान किया है। गलवान घाटी विच शहीद होए सैनिकों की कुर्बानी नूं मुख रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने वीरवार को एक्स ग्रेशिया मापियां नूं वाधू राहत ते प्लाट वाले नकद राशि वजों 1.92 करोड़ रुपए किए, जो कि पंजाब दे नाल संबंधित शहीद होए सैनिकों के वारसां नूं दित्ते जाणगे। दूजी वड्डी खबर साबका DGP समेत सैनी नूं लैके आ रही है। हाई कोर्ट के पटीशन रद्द होने तो बाद उन्होंने हुण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया। उन्होंने अगाऊ जमानत लई सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दाखिल की है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। प्राइवेट स्कूलों की वड्डी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने मान्यता देने की विधि को पहले नालों सुखाला बना दिता है। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंह की अगवाई में स्कूल सिक्ख्या महकमे वालों अपनी कार्य प्रणाली में सुखाली और पारदर्शी बनाने की आरंभी मुहिम के हेठ हुण प्राइवेट स्कूलों के संस्थावां लई मान्यता रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करने की विधि भी सुखाला बना दिता गया। जलंधर के लुटेरों का बहादुरी नाल मुकाबला करने वाली कुसम नूं DC ने सन्मानित किया। जलंधर जिले में कोरोना आफत फिर वड्डी गिणती में नवे मामले मिलने नाल अंकड़ा 85% तो पार कर गया। अगली दुख की खबर खेड जगत में आ रही है। खेड जगत में एक होर वड्डा झटका लग्या है। दरअसल 28 साल कबड्डी खिलाड़ी गगनदीप सिंह इस फानी दुनिया को अलविदा आ गया। दस दिए कि गगनदीप सिंह इस समय न्यूजीलैंड में सी और उसकी अचानक हुई मौत के नाल परिवार और खेड जगत में सोग की लहर पाई जा रही है। अगली खबर पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड नाल जुड़ी हुई आ रही है। साल 2004 तो APR और कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों की वड्डी खुशखबरी मिली है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 10वीं ते 12वीं जमात के मार्च 2004 और उस तो बाद परीक्षा देने वाले अजिहे विद्यार्थी जिन्हों का नतीजा APR या कंपार्टमेंट से और वह मिले मौकों में परीक्षा पास नहीं कर सके, उन्होंने परीक्षा पास करने लिए एक उचेचा मौका सुनहरी मौका प्रदान किया गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की अहम खबर है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस मुताबिक सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते समय विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की लोड़ नहीं पवेगी। ऑक्सीमीटर मुहिम के संबंधी आप वालों फिर तो सेहत मंत्री से वड्डा शब्दी वार किया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वालों आप की ऑक्सीमीटर मुहिम बारे की टिप्पणियों का सख्त शब्दों में मोड़वा जवाब दिता है।